आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बस से उतरते ही मैंने कंडक्टर से पूछा, अच्छा आप लोग बस स्टॉप पर जा नहीं सकते, पर बता तो सकते हैं कि वो बस स्टॉप यहाँ से कितनी दूर है। इस पर कंडक्टर बोला, साहब यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर होगा, ज्यादा दूर नहीं है, आप इस दूसरे वाले रास्ते को पकड़कर सीधा चलते जाइए। कंडक्टर से ये सुनकर ज्यादा देर ना करते हुए मैं चल पड़ा उस बस स्टॉप की तरफ। कंडक्टर ने उस बस स्टॉप के बारे में मुझे जो जितना बताया था वो सुनकर मुझे डर तो नहीं मगर अब हंसी आ रही थी। कंडक्टर के मुताबिक वो बस स्टॉप भूतिया है, उस बस स्टॉप के आसपास एक चुड़ैल भटकती है, इसलिए कोई बस उस तरफ नहीं जाती। क्योंकि मैं एक शहर का पढ़ा लिखा लड़का था इसलिए मैं कंडक्टर की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता था, मुझे ये सारी बातें बकवास लगती थी। उस बस स्टॉप को पार करते ही एक छोटा सा गांव पड़ता था, गांव का नाम धामन गांव, और मुझे उसी गांव में कुछ जरूरी काम था तो मुझे उस बस स्टॉप को पार करके ही आगे जाना पड़ेगा। रात हर पल गहराती जा रही थी, घड़ी की माने तो रात के 1:30 बज रहे थे। रास्ता इतना सुनसान था कि मेरे धड़कनों तक की आवाज भी मैं धीरे धीरे सुन पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो रास्ता इस दुनिया में ना होकर कहीं और हो। अब मुझे चलते हुए तकरीबन 5-6 मिनट बीत चुके थे मगर अभी तक ना तो वो बस स्टॉप दिखा था और ना ही कोई इंसान। समझ नहीं आ रहा था कि उस कंडक्टर के बच्चे ने सही रास्ता बताया भी है या नहीं। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी सामने की तरफ से मुझे कोई साइकिल सवार शख्स मेरी ओर आता दिखा। यही अच्छा मौका था उस आदमी से बस स्टॉप के बारे में पूछने का, लिहाजा मैं हाथ का इशारा करके उस आदमी को रुकवाने की कोशिश करने लगा। वो आदमी कुछ घबराया हुआ सा नजर आ रहा था मगर फिर भी वो आदमी मेरे लिए रुका तो मैंने पूछा, भाई साहब ये बस स्टॉप और कितनी दूर होगा? इस पर पहले से ही घबराए उस आदमी ने कहा, कौन भूतिया बस स्टॉप? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो मुझसे हाँ का इशारा पाते ही उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोला, ज्यादा होशियार मत बनो, आज अमावस की रात है, मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा कर आया हूँ, तुम मत जाना वरना जिंदा नहीं बचोगे। इतना कहकर वो साइकिल सवार शख्स साइकिल भगाते हुए वहां से भाग गया। उस आदमी की बात सुनकर भी मैं नहीं डरा और बेझिझक आगे बढ़ता रहा क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि वह बस स्टॉप इसी तरफ है। कुछ देर चलने के बाद ही मुझे सामने की तरफ वो बस स्टॉप नजर आने लगा। बस स्टॉप में सिर्फ एक ट्यूबलाइट जल रही थी, देखने से तो वो बस स्टॉप बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था, कहीं कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी। चलते चलते मैं उस बस स्टॉप के पास गया और एक दफा चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद मैंने खुद से मन ही मन में कहा, कहाँ है ये चुड़ैल जो सबको डराती रहती है, जरा मुझे भी तो डराए तब ना। जोश जोश में मैंने ये बोल तो दिया था मगर मुझे पता नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये बोलकर। हालांकि मेरा काम इस बस स्टॉप को पार करके धामन गांव में था मगर पता नहीं क्यों लेकिन उस वक्त मुझे उस बस स्टॉप को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे कोई मुझे यहां से जाने के लिए रोक रहा हो। मैंने भी सोचा चल चल कर काफी थक गया हूं तो क्यों ना यहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए।
जिसके बाद मैं उसी बस स्टॉप में एक बेंच पर बैठ गया। बेंच पर इतनी धूल थी जैसे यहाँ कई महीनों से कोई बैठा ही नहीं हो। खैर अभी मैं उस बेंच पर बैठकर सुस्ता ही रहा था कि तभी बस स्टॉप के ऊपर की छत जोर जोर से हिलने लगी। छत हिलने की आवाज सुनकर मेरा ध्यान एकदम से टूटा और मैं झट से उठकर खड़ा हो गया। मुझे लगा शायद छत गिर जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही देर में छत हिलना बंद हो गया। मैंने सोचा अब मुझे यहां से निकलना चाहिए, खामुखा गांव पहुंचने में देर हो रही है। ये सोचकर मैं जैसे ही गांव की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा तो मेरा कलेजा धक्सा हो गया, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसकी शक्ल इतनी ज्यादा डरावनी थी कि मैं ठिठक कर वापस से बस स्टॉप की बेंच पर जा गिरा। उस लड़की का चेहरा पूरा कुचला हुआ था और उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी। मैं समझ गया कि वो कंडक्टर और साइकिल वाला आदमी गलत नहीं बोल रहा था। वो लगातार मुझे एकटक देखे जा रही थी। अभी मैं अपने बचने की उम्मीद छोड़ ही चुका था कि तभी मुझे मेरी बाई ओर से एक बस आती दिखी। मैं जानता था कि बचने के लिए मुझे किसी भी हालत में उस बस को पकड़ना ही होगा, लिहाजा मैं उस लड़की के बगल से निकलकर रोड की ओर भागा। और सबसे अजीब बात कि उस लड़की ने भी मुझे रोकने की कोशिश एकदम नहीं की। बस ठीक मेरे पास आकर रुकी और मैं लपक कर उस बस में चढ़ गया। मेरे चढ़ते ही बस आगे की तरफ जाने लगी। मेरी जान में जान आई, मगर तभी मुझे याद आया कि उस कंडक्टर ने तो कहा था कि इस तरफ कोई बस नहीं आती, तो फिर ये बस कहां से आ गई। मैंने अपनी सीट पर से उठकर बस में चारों तरफ नजरें दौड़ाई, मगर उस बस में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद कोई बस चलती होगी जिसके बारे में उस कंडक्टर को नहीं पता होगा, जिस वजह से मैं वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे धामन गांव उतरना है, ये मेरे जहन से एकदम उतर ही गया था। मैं बस चुपचाप अपनी सीट पर दुबक कर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का ही डरावना चेहरा आ जा रहा था। इसी दौरान मैंने एक नजर घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:15 बज रहे थे। मुझे अभी फिलहाल के लिए इस बस से उतरना ठीक नहीं लग रहा था। अगर नीचे उतरते ही वो लड़की फिर से मेरे पीछे पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर मैं अभी सीट पर बैठे बैठे कांप ही रहा था कि तभी मेरे कानों में मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मेरा कांपता शरीर और जोर जोर से कांपने लगा। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे पलटकर देख सकूं कि ये आवाज है किसकी, मगर ऐसे चुपचाप बैठ भी नहीं सकता था, लिहाजा मैं बहुत हिम्मत जुटाकर पीछे पलटा। लेकिन पीछे कोई नहीं था। पर अगर पीछे कोई नहीं है तो ये आवाज कहां से आ रही है। ये सोचकर मैं अपनी सीट पर से उठा और बस के दोनों तरफ की सीटों पर नजर फेरते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगा। मैं जैसे जैसे पीछे की तरफ जा रहा था वो आवाज और भी तेज हो रही थी। अब मैं बस की आखिरी सीट के एकदम पास आ गया था। मैंने जब उस आखिरी सीट पर देखने के लिए नजर घुमाई तो साथ ही साथ मेरा दिमाग भी घूम गया, क्योंकि उस सीट पर वही लड़की बैठी हुई थी जो मुझे उस बस स्टॉप पर दिखी थी। वही डरावना चेहरा और वैसी ही आंखें। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं जब बस में चढ़ा था
तब तो मेरे साथ कोई नहीं था, और थोड़ी देर पहले भी जब मैंने सीट से उठकर देखा तब भी तो यहाँ कोई नहीं था। तो फिर ये लड़की बस में आई तो आई कैसे? ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मेरी धड़कनें बुलेट ट्रेन से भी तेज हो गई थी और मेरा दिमाग मानो सुनसा हो गया था। मैं तुरंत ही वहां से भागकर ड्राइवर के पास आया और उसे बस रोकने के लिए बोलने लगा, मगर ड्राइवर पता नहीं कौन सा नशा करके गाड़ी चला रहा था, जो उस पर मेरी बातों का असर ही नहीं हो रहा था। तभी जब मैंने ड्राइवर का कंधा पकड़कर उसे मेरी तरफ खींचा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस ड्राइवर का चेहरा भी पूरा कटा फटा था। मैं समझ गया कि ये ड्राइवर भी उस लड़की की तरह कोई आम इंसान नहीं है। वो लड़की बस के पीछे से चलते हुए मेरी तरफ बढ़े आ रही थी और ड्राइवर बस रोकने को तैयार नहीं था। परिस्थिति को भांपते हुए मैंने ना आओ देखा ना ताओ सीधा चलती बस से छलांग लगा दी, जिसके बाद मैं कब और कहां बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं सड़क के किनारे पर पड़ा था। कुछ लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। तब उन्होंने बताया कि दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़की देर रात गए उस बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहां कुछ बदमाश लड़के पहुंच गए और उस लड़की को परेशान करने लगे। उस वक्त एक बस ड्राइवर भी अपनी खाली बस लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वो लड़की मदद मांगने के लिए अचानक उस बस के सामने आ गई। क्योंकि बस काफी रफ्तार में थी इसलिए वक्त पर रुकी नहीं। उस लड़की को कुचलने के बाद बस ड्राइवर भी अपनी बस संभाल नहीं सका और बस एक पेड़ से जा टकराई, जिससे ड्राइवर भी मौकाए वारदात पर ही मर गया। तब से यहां पर ऐसा होता रहता है। ये सब सुनकर मैं बहुत डर गया और भूत प्रेत पर पूरा विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब घड़ी में रात के 8 बज रहे थे, जब हम सारे दोस्त हमेशा की तरह ही पंडित कृष्ण कुमार जी के घर में कहानी सुनने आए हुए थे। कृष्ण कुमार जी हमारे गांव के इकलौते पंडित हैं। गांव में कोई भी शुभ काम पंडित जी के बगैर होता ही नहीं था। पंडित जी की कहानियां इतनी मजेदार होती थीं कि हम सारे दोस्त कई कई घंटे उनके घर में कहानियां सुनते रहते थे। उस रात भी पंडित जी ने कहानी बताना शुरू किया। सुनो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को अपने साथ घटी एक भूत की कहानी सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना, और हाँ, याद है ना, बीच में किसी को भी कुछ बोलना नहीं है। इतना कहकर पंडित कृष्ण कुमार जी ने वो कहानी शुरू की, जिसे मैं आज तक अपनी जिंदगी में भूल नहीं सका। बात आज से तकरीबन 25 साल पुरानी है। तब मैं यानी पंडित कृष्ण कुमार जी जवान हुआ करते थे। बदन में एक अलग ही ऊर्जा थी। उन दिनों शादियों का लगन चल रहा था। दिन में 2-3 शादियां तो मैं आराम से निपटा ही लेता था, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा, क्योंकि शादियां सिर्फ हमारे ही गांव में नहीं बल्कि अगल बगल के गांवों में भी लगातार होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जमींदार साहब की बेटी की शादी में जाना था। हालांकि वो गांव हमारे यहां से काफी दूर था, मगर उस गांव के जमींदार साहब से मेरी अच्छी जान पहचान थी।
और उनकी ये खास इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी मैं ही करवाऊं, तो मैं किस मुंह से मना करता। लिहाजा मुझे वहां जाना ही पड़ा। रात के तकरीबन 10-10:30 बजे तक सारे बाराती पहुंचे, जिसके बाद मेरा काम शुरू हुआ और आधा एक घंटा में निपट भी गया। दक्षिणा देने के साथ ही साथ जमींदार साहब ने मुझसे बहुत गुजारिश की कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर पहले से ही इतनी रात हो चुकी थी और अगर मैं खाना खाने बैठता तो और भी रात हो जाती। हालांकि जमींदार साहब तो मुझे उनके यहाँ रुकने के लिए भी बोल रहे थे, मगर मैं नहीं माना। नई नई शादी हुई थी, बीवी घर पर अकेली थी, ऐसे में अगर मैं वहां रुक जाता तो अच्छा नहीं रहता। जमींदार साहब के बहुत जिद करने पर मैंने उन्हें खाना बांधने के लिए बोल दिया कि घर पर खा लूंगा, जिसके बाद जमींदार साहब ने फटाफट मेरा खाना बंधवा दिया और मैं खाना लेकर चल पड़ा अपने घर की ओर। रात काफी हो चुकी थी। गांव के उस कच्चे रास्ते पर, जिस पर फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा था, उस पर कोई इंसान तो क्या जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अंदर ही अंदर मुझे काफी डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरे पास दक्षिणा के काफी सारे पैसे थे, इसलिए मैं तेजी से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में पूरा रास्ता दिन की तरह चमक रहा था। हालांकि उतना साफ तो नहीं था, मगर रास्ते पर चल पाऊं इतना दिख रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे कदमों के साथ ही साथ मुझे किसी और के कदमों की आवाज आने लगी। मेरे आगे तो कोई नहीं था, इसका मतलब साफ था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक काली सी परछाई, जो कि किसी आदमी की थी, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। एक बार के लिए सर से लेकर पैर तक मेरा पूरा शरीर कांप गया, मगर फिर मैंने सोचा शायद यहीं का कोई आदमी होगा, मेरी तरह कहीं जा रहा होगा। इतना सोचकर मैं कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा हो गया कि पहले उस आदमी को जाने देता हूं। मगर जैसे ही मैं रुका कि वो आदमी यानी वो काली सी परछाई भी एकदम से वहीं पर रुक गई। मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरे रुकने पर वो आदमी रुका क्यों, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, मैंने वापस से आगे बढ़ना शुरू किया तो मेरी देखा देखी उस परछाई ने भी चलना शुरू कर दिया। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है, मगर मैं उस वक्त ये भी जानता था कि मेरा एक गलत कदम मुझे मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहा और सही मौके का इंतजार करने लगा ताकि मैं वहां से 9:00-11:00 हो सकूं। अभी भी उस आवाज को मैं पीछे से साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। तभी आगे चलते चलते मैंने धीरे से कहा, देखो, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं जमींदार साहब का खास आदमी हूं, अगर मुझे कुछ हुआ ना तो सोच लो। मगर इस पर पीछे से कोई जवाब नहीं आया और ना ही चलने की आवाज आनी बंद हुई। मैं एक दफा फिर पीछे पलटा तो पाया कि मेरे पीछे एक नहीं बल्कि अब दो लोग आ रहे हैं। वो दोनों बहुत ही अजीब तरह से चलते हुए मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। अब मुझे सच में घबराहट होने लगी थी। मुझे अब कोई चारा नजर नहीं आ रहा था, जिस वजह से मैंने उसी वक्त वहां से दौड़ लगा दी। मैं दौड़ रहा था और बार बार पीछे पलटकर भी देख रहा था तो पाया कि अब धीरे धीरे पीछे काफी सारे लोग जमा हो जा रहे हैं। मगर मैं रुका नहीं, मैं तेजी से भागता रहा।
अभी मैं बहुत ही तेजी से रास्ते पर दौड़ ही रहा था कि तभी अचानक मैं किसी आदमी से जोर से टकराया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। इससे पहले कि मैं खुद संभलते हुए उठता, उस आदमी ने मुझे तुरंत सहारा देकर उठाया और मुझे उठाकर कहीं ले जाने लगा, जिस पर मैंने कहा, कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इस पर वो आदमी बोला, अगर उन लोगों से बचना है तो मेरे साथ चलो। उस वक्त मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करना चाहिए, जिस वजह से मैं उस आदमी की बात सुनकर उसके साथ साथ चलता रहा। वो आदमी मुझे रास्ते के किनारे जंगलों की तरफ ले जाने लगा। वो सारे लोग अब मेरे पीछे नहीं आ रहे थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, वो लोग कौन थे और मेरे पीछे क्यों आ रहे थे? इस पर उस आदमी ने कहा, आप खाना ले जा रहे हैं ना, इसलिए वो लोग आपका पीछा कर रहे थे। इस पर मैंने कहा, खाने के लिए पीछा कर रहे थे, पर वो लोग थे कौन? इस पर उस आदमी ने कहा, वो लोग इंसान नहीं थे, उन्हें इंसान समझने की गलती मत करिएगा, वो लोग प्रेत है, प्रेत। उनका यही काम है लोगों का पीछा करना और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना। ये सब सुनकर मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई। डर के मारे मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मगर तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि आखिर इस आदमी को इतना सब कुछ कैसे मालूम है। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में रख नहीं सका और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, पर आपको इतना सब कुछ कैसे मालूम है? इस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया, बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। मैं इसी रास्ते से देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। तब मैं भूत प्रेत इन सारी चीजों पर यकीन नहीं करता था। तभी अचानक वही सारे प्रेत मेरा पीछा करने लगे। पहले तो मुझे लगा शायद वो लोग इंसान है, पर जब तक पता चला कि वो लोग प्रेत हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उन लोगों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका था और फिर उन लोगों ने मुझे जान से मार डाला। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैं यानी पंडित जी डर के मारे कांपने लगा। मैंने एक नजर उस आदमी के पैरों की तरफ देखा तो सही में उस आदमी के दोनों पैर उल्टे थे। डर के मारे अभी मैं वहां से भागने जा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं उन प्रेतों की तरह नहीं हूं, और अगर अभी तुम वापस उस रास्ते पर गए तो मारे जाओगे, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम दोनों जंगल के रास्ते पर ही चलते रहे। कुछ देर आगे जाने के बाद उस आदमी ने मुझे पूरा रास्ता समझा दिया। फिर मैं वहां से सीधे अपने घर आ गया। घर पर मैंने ये बात सबको बताई, मगर किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया। बाद में जब मैंने इस घटना का जिक्र गांव के बाकी लोगों से किया तो सबने कहा कि वो रास्ता प्रेतवादित है और शाम हो जाने के बाद उस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं। उस दिन के बाद से मैं आज तक कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया। चलो बच्चों, जाओ घर जाओ, काफी रात हो गई है। पंडित जी की कहानी सुनकर उस रात मैं भी काफी ज्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।